हेलो एवरीवन, और कैसे हो आप लोग। बेंगलोर की वेदर अभी बहुत ही अच्छी है, दिन में धूप और इवनिंग टाइम पे बारिश। आज बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ एक काम स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे आलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन का काम। कुछ काम करने के लिए सोच के तो रखते हैं, बट डेली बिजी रूटीन के वजह से ही ये काम पेंडिंग ही रह जाती है। आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। डेली वेयर के लिए हो या बाहर जाने के लिए हो, इन समर सीजन में ये टी शर्ट्स मुझे बेस्ट लगते हैं। इनको फोल्ड करने से अच्छा मुझे ऐसे हैंग करके रखना ज्यादा पसंद है। लास्ट ब्लॉग में भी मैंने बोला था कि मैं अलमीरा के डोर्स यूटिलाइज करने के लिए डोर्स में ऐसे हुक्स यूज करती हूँ। इनमें बेल्स, बैग्स जैसे आइटम हैंग करके रखना इजी होता है, जिससे बहुत स्पेस भी सेव हो जाती है। मेरे अलमीरा में आपको सादर मेखिला यानी साड़ीज ही ज्यादा दिखेंगे। इनको मैं कुछ स्पेशल ओकेजन्स में ही पहनती हूँ। इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऑनलाइन ही ऑर्डर किया है। ये ऑर्गेनाइजर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, दोनों साइड से इनको होल्ड करना भी इजी है। साड़ी यानी सादर मेखिला इनमें ऑर्गेनाइज करके रखने से यहाँ से निकालना भी काफी इजी होगा। जिपलॉक ऑर्गेनाइजर्स से ज्यादा इन ऑर्गेनाइजर्स को यूज करना मुझे कन्वीनियंट लगा। कुछ कुर्तीज और ड्रेसेस भी इन ऑर्गेनाइजर्स में ही रख रही हूँ। इन बास्केट्स को यूज कर रही हूँ जीन्स और ट्राउजर्स रखने के लिए। अलमीरा में जब क्लॉथ्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तब कहीं जाने के टाइम हो या डेली वेयर्स के लिए ही हो, इन क्लॉथ्स को ढूंढ के परेशान होना नहीं पड़ता है, है ना? आइकिया से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिया था, इनको अंडरगारमेंट्स रखने के लिए यूज कर रही हूँ। ये क्विक ऑर्गेनाइजेशन के बाद अभी मेरा अलमीरा देख के अच्छा फील हो रहा है कि मुझे अपने क्लॉथ्स ढूंढ के टाइम वेस्ट अभी नहीं करना पड़ेगा। समर वेकेशन स्टार्ट होते ही आड्रिक को मैंने एक प्रॉमिस किया था कि स्कूल स्टार्ट होने से पहले उसको कपकेक्स बनाना सिखाना है। सो आज आड्रिक का वो विश भी पूरा करना है। किड्स को छोटे एज से ही कुकिंग या बेकिंग सिखाने से उनका बेसिक स्किल्स डेवलप होते हैं। आड्रिक को बहुत छोटे एज से ही कुकिंग पसंद है। किचन एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे किड्स अपने सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करके बहुत कुछ लर्न कर पाते हैं। उनकी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होती है, साथ में अपने फैमिली को स्पेशली मॉम्स को हेल्प करना भी सीख जाते हैं। इसलिए जब भी टाइम मिलता है अनुपल या मैं कुछ टाइम आड्रिट के साथ किचन में बिताते हैं। इससे आड्रिट का फ्री टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाती है। और हमारे लिटिल चेफ का कपकेक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड में डाल के इसको 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर रही हूँ। प्री हीट होने तक किचन को क्लीन कर लेती हूँ।
काम होते ही किचन का क्लीन कर लेना एक अच्छी आदत है। बस प्रीहीट होने के बाद इन कपकेक्स को 180 डिग्री में 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। टाइम सेव करने के लिए ही अदरक को बढ़ाने के टाइम ही कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ छोटी छोटी काम फिनिश कर लेती हूँ। कभी कभी इस टाइम पे ही मैं वेजेस वगैरह भी कट कर लेती हूँ। इस टिप्स से रियली मेरे बहुत टाइम बच जाती है। कपकेक्स तो देखने में टेस्टी लग रहे हैं, है ना? हमारी लिटिल चेफ ने बनाया हुआ इन कपकेक्स को टेस्ट करने से ही अभी पता चलेगा कैसा हुआ है। आज अद्रिक का समर वेकेशन का ये लास्ट डे, हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया। ये कपकेक्स तो रियली बहुत अच्छे बने थे। आई होप आप लोगों ने भी ये ब्लॉग एंजॉय किया। इस ब्लॉग को आप अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को क्लिक कर देना न्यू ब्लॉग के नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।